अच्छा, माता जी जो भी बात बोलती हो शत प्रतिशत वो सत्य होती है। आज मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे है, मैं भी सेवा दे रहा हूँ, मेरे दादाजी ने दी, मेरे पिताजी ने दी, उसके बाद मैं भी माँ बाबा ने किया सेवा दे रहा हूँ। जो भी माता जी बोलती है वो सटीक बैठती है। और इस गाँव में आस पास जितने गाँव में सभी काम माता जी के अनुसार ही होते हैं। अच्छा अच्छा, राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल है सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले जय माता जी। किसान भाई, आज हम आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। किसान भाई, आज हम आपको कहते हैं ना कि भैया जहां आस्था है, जहां पर विश्वास है, वहां लोग धूप कुछ नहीं देखते। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोथरा वाली माता जी की भविष्यवाणी की बिल्कुल साफ आवाज़ में वीडियो। किसान भाइयों, हम आज आपको मंदिर से सीधा दर्शन भी माता जी के करवा रहे हैं, साथ ही साथ कितनी क्या भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, मंदिर समिति के जो भाई है उनसे भी हम कुछ चर्चा करेंगे कि माता जी कब से भविष्यवाणी कर रही है, कैसे क्या होता है, उनकी भविष्यवाणी में क्या क्या होता है, पूरी जानकारी भैया आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है किसान भाइयों। और साथ ही साथ भैया हमारे जो किसान भाई लहसुन प्याज राजनीति वाले जो भी है ना भैया, वो वीडियो पूरा देख लेना। जो भी होगा माता जी आज बता देंगे भैया कि क्या क्या होने वाला है इस वर्ष, तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से हम आपको यज्ञशाला के भी दर्शन करा देते हैं। और भैया आप भी आ सकते हैं गोथरा माता जी के लाइव भविष्यवाणी सुनने, लेकिन वो अब अगले वर्ष तो होगी क्योंकि इस वर्ष तो हो चुकी है। हर वर्ष रामनवमी के दिन होती किसान भाइयों, चैत्र नवरात्रि जब चलती है, नवमें दिन लास्ट दिन जो रहता है नवरात्रि का रामनवमी के दिन, उसी दिन गांव गोथरा में माता जी की भविष्यवाणी होती है। तो किसान भाई हम चलते हैं भैया यहां पर जो भाई है, जैसे कि जो आप जो माइक वाले देख रहे हैं उनसे कुछ बात कर लेते हैं, जो कि भी हम मंदिर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि भैया भविष्यवाणी कैसे क्या होने वाली है, क्या क्या यहाँ पर होता है। तो आप सभी बने रहे हमारे साथ, तो चलिए भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जय माता जी की। जय माता जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुमार है। जी जी जी। तो भैया जैसे कि आज माता जी की भविष्यवाणी होने वाली है, जी जी जी, तो भक्तों का तो बिल्कुल सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे, हर साल आता है, लाखों लोग देखते भी यूट्यूब वगैरह पे। जी जी। तो क्या है माता जी के बारे में थोड़ा बताइए। मेरी उम्र करीब करीब 38 साल होने का आ गई है। माँ भवानी का बड़ा ही चमत्कार है, दूर दराज से यहाँ पे भक्तजन आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जी जी। जो भी मनोकामना यहाँ लेके आता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो माता जी जो भी बात बोलती हो जी जी शत प्रतिशत वो सत्य होती है। अच्छा, अच्छा। आज मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे है, मैं भी सेवा दे रहा हूँ, मेरे दादाजी ने दी, मेरे पिताजी ने दी, उसके बाद मैं भी माँ बाबा ने किया सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। जो भी माता जी बोलती है वो सटीक बैठती है। अच्छा, और इस गाँव में आस पास जितने गाँव में सभी काम माता जी के अनुसार ही होते हैं। अच्छा अच्छा। भविष्यवाणी कितने क्या बजे तक चालू होने वाली है जी? भविष्यवाणी कब तक होगी? ये तो वर्षों से चली आ रही है। जी जी। आज बात करें तो करीब 1400 साल का तो मैं बता सकता हूँ कितना हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, और अच्छा। आगे जहाँ तक सनातन धर्म चलेगा वहाँ तक तो होती रहेगी। अच्छा अच्छा जी। और रामनवमी के दिन होती है ना? ये रामनवमी के दिन होती है। अच्छा अच्छा। नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में ये बड़ी नवमी हम चैत्र मानते हैं, ये जो बड़े नवरात्र हम मानते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे लिए बड़े गांव के लिए आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है कि प्रभु श्री राम जैसे अयोध्या लौटे थे, इसी प्रकार यहां पे उत्साह मनाया जाता है गोथरा माता जी में। अच्छा, माता रानी के दरबार में। अच्छा अच्छा। तो ठीक है भैया, धन्यवाद। जी माता जी। जय माता जी। तो देखिए दोस्तों, ये माता जी के मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ। भैया से हमने जानकारी वगैरह ली है और कुछ ही देर में यहाँ पर भविष्यवाणी होने वाली है माता जी के, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो पहले आप देख सकते हैं पब्लिक जो कि धर्म प्रेमी जनता है, काफ़ी यहाँ पर आपको जनता भी देखने को मिल रही है। तो देखिए साथियों भाइयों, देखिए। तो किसान भाइयों, कुछ ही देर और आप इंतजार कर लीजिए, आगे आपको हम माता जी के भविष्यवाणी सुनवाने वाले हैं। तो देखिए किसान भाई, सबसे पहले आप देखिए कितने हमारे प्यारे प्यारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग भैया राजनीति से जुड़े हुए भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, और ख़ास कर तो लहसुन वाले किसान भाइयों ज़्यादा ही सुनते हैं। तो प्याज वाले भैया आप लोड मत लो, प्याज वाले की भी आज माता जी ने बात कही है ना, बोवनी कब होने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ही देर में आपको सीधा लाइव हम माता जी की भविष्यवाणी आपको दिखाने वाले भैया।
हेलो 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 बोले बोलने वाली बात देखी तबाई जाके निकलने की स्वागतम शरणम स्वागतम शरणम स्वागतम शरणम स्वागतम शरणम बोले बोलने वाली बात देखी बोले बोलने वाली बात देखी तबाई शासन मंदनी की वाली मात की वाली मात की भैया सामने से सभी हट जाए ये उठना के सामने से सभी हट जाए सब साथ में जाइए यहाँ से बोले घोषणा वाली मात की बोले घोषणा वाली मात बोले घोषणा वाली मात की सभी सभी बच्चियाँ देखो पानी का भी हिस्सा कमी नहीं है तो अग्निशाल थोड़ी गर्मी भी तेज है और अग्निशाल ज्यादा है डुमड़ो बेटा डेट में भी है 11-12 फुट कम है और ज्यादा डुमड़ो है उतरता डेट 12-13-14 तक खूब भरा हुआ पानी है वही वामनी पहली वामनी बेटा शहर की पूनम की मुन्नी तक और दूसरी वामनी आधा शहर एकम बीच से हतम तक और सावन में पानी बेतम खूब है भदवा में भी खूब है पानी और मावटा हाथ है आधा कातिर मावटू है बेता कातिरू है अगन में मावटू है पोष में भी मावटू है पोष में आधा पोष में होला वृष्टि वे और दा तीन है बेता मारो भी है आधा मारो भी है उतरता मारो भी है और फागण में भी मावटो है चांद चांद भोला वृष्टि वेगा वरणी जेठ में हवा का प्रकोप ज्यादा रहेगा चांद चांद तो नुकसान ज्यादा रह जाएगा और गहूं मेथी सणा हो पकेगा हाँ पर चांद चांद नुकसान भी वेगा बरकाती और बीमारी अभाव यानी वैशाखी लगाई में उतरता अषाढ़ तक बीमारी ज्यादा है खूब ज्यादा है और महावीर हवन करा जाए तो शांति वेगा वरना नहीं वेगा और हते हरा हो वेगा शांति होनू बढ़ेगा शांति मीडियम रहेगा और गौ में तेरह भाव हो रहेगा गौ रो तेज रहेगा लसन भाव तो खूब रे आंदा धूम रे लसन भाव आते भी आया और एक दूसरा लफड़ा वाते भी आया थे ठीक है और हते हरा हुएगा बढ़िया रहेगा भाव सबरो अनशन भाव रहेगा थोड़ी लालसी तेज रहेगा और बीमारी कुमार महीने भी हो कुमार कार्तिक में बीमारी ज्यादा है और महावीर हवन करा तो अभिषेक करें फिर करा जाए और खल कर लो कार तो है शरीर और वैरो भी कार पड़ेगा इनके अनिशाल राजा
कांदार बाप हो रहेगा इलके थमाल बनी जागे कांदार देखो राजनीति में कोई फंदा फंसी मत कर जो देखो मैं पहला था ना कही दो कि यह प्रगति रो खेल है जो ये बताऊं था ना सही बताऊं मैं दूल दफली करूंगा नहीं तो होना भाषण करूं तो मतलब कोई कौन काम कहीं नहीं है और मारू काम यो है कि पानी कशो है खेती कशी है और खेती हो पाके और खेती वाला में जीवी रहते का जीवी कांदार भाव हो रहेगा लसन भाव हो रहेगा और मावटा में ओलावृष्टि होगा और चांग चांग और कुमार महीने आंधी तूफान चलेगा क्या क्या आधा कुमार बाद और कुमार में खूब पानी है और आधा भादवारों भी चांग चांग एक का कारो है हमारे डेम टूटी जाएगा गांव में जाता रहेगा सो पानी कुमार में भी है राजा हजार रुपये थे रे बाप और मोरा तेरह सोमा तेरह दिवार मैं भूली गई तेरह दिवार तीन थी छह में कर देखो बेटो तो आपने मारी इधर अब थमाने हर साल कई दिन वो तो मारी इधर आया मारेगा और थमाने अनाथ आश्रम में भी छोड़ेगा छोड़वा लग गया है और हीरा गलरी सेवा करो गौ सेवा करो हीरा चारण गरी और गौ सेवा क्या करे और एक्सीडेंट खूब होगा वहां धीरे चलाओ और हरा बोर रहेगा थोड़ा सावधानी थी रोत हो गए और देखो यानी कलयुग रहे क्या विशेषता नहीं है जो पुण्य थी दबीर है बाकी साली रोपण हाँ था में फोड़ा है जरूर और आज कह रही हूँ वगर नी में वगर बी में मकान बनेगा जो ध्यान लगे जो कटे बनेगा भी कई बेगा आज कह रही हूँ और अभी नहीं कहूँ और या था ना मालूम एक बेटी मन में पति करी रही है बाप बेटा ने मारी रोहे हर फोड़ वही रूपा हाँ पर थोड़ा सा सावधान हो थोड़ा पुण्य ने पहचान कर अंधकार साली रो बाई कौन है बेटी कौन है कर था यो ही भान कौन है तो थे मनक हो के कही है यो ये कही और मैं था लोग अगर परेशान आ रहे मन गांव में न्याय परेशान हो जू मन देवता जी पूजा नहीं वे टेम पे तो था नहीं कही हूं हाँ खल करो कार धान पानी बंदोबस्त जरूर आ गया और यानी शाल में क्या क्या खबर है थोड़ा पड़ेगा अशो शाल में और पानी खूब पड़ेगा पानी की टेंशन मत करो वामन तीन है ना अरे क्या तो अषाढ़ में निपटी जाओ थे आदर दुर्गा में बाकी आखिरी वामन तो आज है बेहतर श्यामण हाथ दन जाता है चार खून सौदा बोलने में वो यार राजा हजारी तो कई दिक्कत कोई नहीं कई लान हुनी हुनी परेशान करो पण ये कधी कधी की लोक मन घेर ले लू गातो उपाडे ले जा नहीं जगत तमा साली रा ने भी बोफा बंडा रे कई भाषण दिया करे देखो मने समय कम है ना मैं जाऊंगा और राजा उद रे तो किसान भाइयों देखा आपने जो आज माताजी ने भविष्यवाणी की है इस वर्ष वो होने वाला है। माताजी ने बताया है कि भैया पानी बहुत गिरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है पानी, लहसुन का भाव भी अच्छा रहेगा, प्याज का भाव भी अच्छा रहेगा। आपने बाकी सब सुन लिया होगा किसान भाइयों। तो ठीक है बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माताजी जरूर लिखना। तो चलते हैं किसान भाई, जय जवान जय किसान जय माता दी।